Hi everyone. So as per the promise, we are back with literature section. Let's start without wasting any time. Quick revision with Monica ma'am. So MCQs, assertion reason questions and case study based question I have brought today from CBSE question bank. I hope isme jahan bhi aapke doubts hon wo main clear kar paun aap logo ko. To first question aapko screen pe dikh raha hoga. Aap zara isko acche se read kar lo. ठीक है, सो साथ ही साथ हम इसे डिस्कस करना शुरू करेंगे. सो स्टैंजा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ टिल सडन स्ट्रेंजनेस. हियर द क्वेश्चन इज द पोएट यूजेस द वर्ड्स वर्ड लेट्स टू. इसे रीड करो और देखो, आपका टाइम शुरू होता है. आप Yes, absolutely right. If your answer is B, to invite readers as part of the poem's larger call to humanity. ठीक है, so अगर welcome readers into the world of poem है वो wrong है, address readers wrong है. यहाँ पर आपका B option is the right option. Second question देखो, Margaret Atwood का quote है, language divides us into fragments. I want it to be whole. आपने ये बताना है, नीचे ये कमेंट्स दिए हुए हैं, दैट करेक्टली कमेंट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एटवुड्स वर्ड्स एंड द लाइन फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट. सो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज इसमें, और इस पॉइंट में आपको बताना है कमेंट ऑन द रिलेशनशिप. ठीक है, इन दोनों में क्या है. सो स्पीकिंग से वो मना नहीं कर रही हैं, ठीक है, अंडरमाइन नहीं कर रही हैं नेरुडा की इंटेंशन को, राइट, और नेरुडा की डिजायर को सरेंडर भी नहीं कर रही हैं. सो डिजायर फॉर साइलेंस एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यहाँ सीधे सीधे वो है, लेट्स नॉट स्पीक, दैट मीन्स हिज कॉल, हिज अपील, हिज रिक्वेस्ट, हिज लाइक स्टेटमेंट, लेट्स नॉट स्पीक. जो भी वो आपको एक्सपीरियंस कराने जा रहे हैं उसके लिए यू डू नॉट हैव टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, दैट मींस ऑप्शन ए, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द पोएट एम्प्लॉयज वर्ड्स लाइक एक्सोटिक, स्ट्रेंजनेस. क्यों लगता है आपको कि ये वाले वर्ड्स इसमें ऐड हुए हैं. Absolutely right. B option is the right answer to emphasize the frenetic activity and chaos that usually envelops human life. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो. ऑप्शन फोर जल्दी से देख के बताओ, आपने कॉलम्स को मैच करना है और इन ऑप्शंस में से आंसर करना है. तो बहुत बार बच्चे फर्स्ट पढ़ के ही देख लेते हैं या रॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं. यहाँ लिखा है करेक्टली मैचेस द इडियम्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. ओके, सो जल्दी से रीड करके आप बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, ए बी सी डी में से. ओके, सो ऑन द फेस ऑफ अर्थ मीनिंग इन एग्जिस्टेंस, व्हाट ऑन अर्थ मीनिंग टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक, move heaven and earth to do all possible to accomplish something, the salt of the earth to be good and worthy, the salt of the earth. Yes, to be good and worthy. So your answer is B. Okay, here it is written. Now second stanza, if we were not so single minded about keeping our life moving, so look at the images given below, choose the image to which the above extract can be seen as an appropriate response. Batao kaun sa hoga appropriate response. So D is absolutely right, option 4. If we were not so single minded about keeping our life moving, for once could do nothing, perhaps a huge silence. So inme se aapne ek image
सिलेक्ट करनी थी। यहाँ आप अपने आप को बंद करके अपने ही जोन में फिक्स हो रहे हो और सिंगल माइंडेडली बस एक चीज सोच रहे हो, सेल्फ डाउट, सेल्फ बैरियर्स एंड ऑल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, राइट? सो दिस इज राइट आंसर। एंड देन व्हाट डू यू थिंक, कईयों के मन में ये नोट करेंसी देख के हो सकता है, बट आप यहाँ देख रहे होगे तो बर्न हो रहे हैं वो, तो वो आपने यहाँ नहीं सिलेक्ट करना। वो ये भी हो सकता है कि जैसे ये मोटिव ही नहीं है आपकी लाइफ का या यू आर बर्निंग इट, बट दिस इज राइट ऑप्शन। ओके नाउ सेकेंड, व्हाट डू यू थिंक इज द मूड ऑफ द पोएट इन द अबव एक्सट्रैक्ट? तो इस एक्सट्रैक्ट में आपको क्या मूड दिखता है पोएट का? राइट, सो पहली चीज तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्टिव है कि अपने ऊपर ब्लेम लेकर अपने आप को इंक्लूड करके पोएट ने बोला है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। सो इंट्रोस्पेक्टिव है कि ह्यूज साइलेंस से हमारी सैडनेस इंटरप्ट हो सकती है, तो अवेयरनेस बढ़ाने को वो बोल रहे हैं। सो बेसिकली ही इज टोटली अवेयर व्हाट इज ही इज गोइंग टू टीच एंड ही हैज फुल नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्शन। सो इंट्रोस्पेक्टिव एंड अवेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्लीज आप क्वेश्चंस में ध्यान से देखना, डज नॉट या डज क्या लिखा है, आपने क्या चूज करना है। तो दो बार क्वेश्चन जरूर रीड करें। आपने ऑप्शन चूज करनी है दैट डज नॉट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस सूटेबली एज पर द एक्सट्रैक्ट। डज नॉट थ्रेटनिंग आर सेल्व विद डेथ मीनिंग, मीनिंग नहीं है क्या लिखेगा। सो फीड्स ऑन द फियर ऑफ डेथ ऑब्वियसली कंप्लीट करता है इसको। कीप्स अस रशिंग थ्रू लाइफ, मेक्स अस रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट एंड चैलेंजेस फाइनाइटनेस ऑफ लाइफ। दिस इज नॉट कंप्लीट, राइट? सो आपका थर्ड का ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। व्हाट माइट द ह्यूज साइलेंस सिग्निफाई? देखो इसमें क्या दिखता है। राइट, सो अंडरस्टैंडिंग आपकी ह्यूज साइलेंस से ही आएगी। ह्यूज साइलेंस यहाँ पर मेलनकली नहीं है आपका। साइलेंस अगर आप कर रहे हैं तो यू डोंट वांट टू फील लोनली। आप यहाँ पर एक एक सैडनेस नहीं है ये, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग के लिए यू चोज दैट लोनली प्लेस और यू वांट टू बी अलोन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 अगर हम देखें, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज हैं। स्टेटमेंट 1 है द पोएम कीपिंग क्वाइट कॉल्स फॉर चेंज एज मच इन द इंडिविजुअल एज ह्यूमन सोसाइटी एट लार्ज। एंड देन सेकेंड इज द पोएम कीपिंग क्वाइट इम्प्लाइज दैट इंडिविजुअल चेंज विल लीड टू बिगर सोसाइटल चेंज। एंड देन नेरुडा बिलीव्स दैट व्हेन पीपल कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी दे विल बी एबल टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन ईच पर्सन। तो जो आपका ऑप्शन है बेटा वो ये है कि 1, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या इट कैन नॉट बी इन्फेर्ड, कि किसी स्टेटमेंट से आप उसको इन्फेर नहीं कर सकते, उसका मीनिंग वो नहीं निकलता। इस तरह से आपको ये आंसर दिए गए हैं। आप अपना टाइम लो और इसको रीड करो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, सो आई होप आप रीड कर चुके होंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, नेरुडा की अपील तो यही है, कॉल्स फॉर चेंज एज मच इन द इंडिविजुअल एज ह्यूमन सोसाइटी एट लार्ज। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग से कम्युनिटी है, कम्युनिटी से सोसाइटी इम्पैक्ट है, तो फर्स्ट तो ट्रू है। अब सेकंड में उन्होंने लिखा है इंडिविजुअल चेंज विल लीड टू बिगर सोसाइटल चेंज, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल में चेंज आना एज पर द सोसाइटल नॉर्म्स है या नहीं। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होती है कि ये कहा जाता है कि आप खुद को चेंज कर सकते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वो है जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो हर पर्सन का चेंज उसके हिसाब से येस और नो है, वो यहाँ पर फॉल्स है स्टेटमेंट।
राइट। और थर्ड स्टेटमेंट ये है कि व्हेन पीपल कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी दे विल बी एबल टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन ईच पर्सन। सो ये तो इनफेयर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठने को कहा है, और कम्युनिटी किसी भी बेसिस पे हो सकती है, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और नेशनैलिटी, किसी भी बेसिस पर। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सब इंडिविजुअल्स में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी ही लाएगी वो चीज। सो हम यहाँ कहेंगे ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, एंड थर्ड जो है वो इनफेयर नहीं हो रही है, कैन नॉट बी इनफेयर। सो सेकंड इज व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, चूज द ऑप्शन। यहाँ टोटल इनएक्टिविटी किसको कहा गया है? कीपिंग क्वाइट इज टू टोटल इनएक्टिविटी इज इक्वल टू साइलेंस एंड केओस तो हो नहीं सकता, ऑपोजिट है वो स्टेग्नेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं है, रिफ्लेक्शन इज टू डेथ। सो कीपिंग क्वाइट इज टू टोटल इनएक्टिविटी, दैट मींस कीपिंग क्वाइट से का मीनिंग जो है वो इंट्रोस्पेक्शन है, बीइंग साइलेंट डजंट मीन डूइंग नथिंग। ओके, सो सिमिलरली यहाँ रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि डेथ है। ओके और स्टेग्नेशन, इंट्रोस्पेक्शन, माइंडफुलनेस, फियर, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट स्टेटमेंट डज नेरुडा मेक अबाउट वॉर्स, जल्दी से रीड करो। वॉर्स नेवर यील्ड एनी विनर्स एंड द लॉस इज फार ग्रेटर देन व्हाट कैन बी मेजर्ड। दिस इज एब्सोल्यूटली राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ उन्होंने ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद गैस, ये एग्जाम्पल लिया था उन्होंने, और यहाँ पर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर से आप देख सकते हो कि ये पॉइंट सही है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, व्हाई डज द पोएट विश टू गो एट द एंड ऑफ द पोएम। एब्सोल्युटली राइट, ही इज ऑन अ मिशन to enlighten other people, and once he work on one group of people, then he moves to his next step and he resumes his journey. Option C is right answer. I hope यहाँ तक आपको clear हुआ होगा। Now let's do my mother at 66. Okay? So जल्दी से ये stanza एक बार देख लो। ठीक है, सो आपने स्टेंजा देख लिया। नाउ इसका क्वेश्चन, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन, फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन। जी दैट बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, और आपको ध्यान रहे इनमें से नहीं, इनमें से चूज करना है ए बी सी डी। तो जल्दी से रीड करो। सो बेसिकली दिस इज रिकलेक्शन ऑफ थॉट्स, ओके, कॉन्वर्सेशन नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, पीस ऑफ एडवाइस नहीं है, स्ट्रेटेजी प्लान नहीं हो रही, सजेशन नहीं चल रहा है, शी इज जस्ट रिकॉलिंग एवरीथिंग। चूज द बुक टाइटल दैट परफेक्टली डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द पोएट्स मदर, इनमें से बताना है आपको कौन सी वो परफेक्ट होगी। यस, सो समवेयर टूवर्ड्स द एंड, अगर आपको इन बुक्स को चूज करना हो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन शोन ऑफ पोएट्स मदर। नाउ चूज द ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फर्स्ट है द पोएट वार्ड्स ऑफ द थॉट ऑफ हर मदर गेटिंग ओल्ड क्विकली, द पोएट डिड नॉट वॉन्ट टू कन्फ्रंट द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट दैट वॉज टू ड्रॉन अपॉन हर मदर। सो देखो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यस, सो एजर्शन एंड रीजन कैन बी इन्फर्ड, इन्फर्ड मतलब इस स्टेटमेंट की हम इन्फेयर कर सकते हैं, हिडन मीनिंग देख सकते हैं। वर्ड्स ऑफ द थॉट ऑफ हर मदर गेटिंग ओल्ड क्विकली, तो वो जो लुकिंग अवे था, एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू कन्फ्रंट द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट दैट वॉज टू डॉन अपॉन हर मदर। तो बेसिकली फेयर मदर से सेपरेशन का ही था,
और मदर से फियर नहीं था, जो डेथ बेल रिंग कर रही है उससे, अप्रोचिंग डेथ से फियर था, और उसी को मतलब डिनायल में भी नहीं है, शी एक्सेप्टेड दैट कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज इनएविटेबल ट्रूथ, शी हैज टू बी सेपरेटेड. तो ये पॉइंट हम इन्फेयर कर सकते हैं उन सब स्टेटमेंट से, राइट. फोर्थ क्वेश्चन देख लो जल्दी से. चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम लिटरेरी डिवाइस एज इन गिवन लाइन, हर फेस इज शिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. बिल्कुल सही. माई थॉट्स वर एज हैवी एज लेड दैट इवनिंग वेन. सो एज हैवी एज लेड, हैवी लेड से कंपेयर किया गया है, सिमिली ही है यहाँ पर. सो इट इज एब्सोल्यूटली राइट आंसर. थर्ड ऑप्शन में लाइक सिमिली की तरह यूज नहीं हुआ. डी में भी वो वर्ब की तरह यूज हुआ है, राइट. सो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग. सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन द पोएट कैपिटलाइज यंग ट्रीज. यहाँ पे जो यंग ट्रीज को, यंग का वाई कैपिटल है और ट्रीज का टी कैपिटल है, तो आपको क्यों लगता है कि ये क्यों किया गया है? दिस वॉज टू एब्सोल्यूटली राइट एनहेंस द कंट्रास्ट. सो कोई चीज को एक तो हाईलाइट करना हो, और वो इस समय कंट्रास्ट सेट हो रहा है अंदर ओल्ड एज से. चूज द ऑप्शन दैट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. क्या क्या है? पोएट नोज हर मदर हैज एज, द पोएट फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन. हाँ जी जल्दी से बताओ. सो बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं है. एज, ओल्ड एज जो है वो कॉज बनेगा सेपरेशन का. सो दिस इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑप्शन बी राइट. चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस गिवन बिलो. जस्ट एज द ब्राइटनेस ऑफ द विंटर्स मून इज वील्ड बिहाइंड द हेज एंड मिस्ट सिमिलरली. तो क्या लिखोगे इसमें? एब्सोल्यूटली राइट. एज हैज फॉग्ड मदर्स यूथफुल अपियरेंस. ओके, सो विंटर मून से कंपेयर किया गया है. जैसे विंटर मून की ब्राइटनेस खत्म हो जाती है, हेजी हो जाती है, मिस्टी हो जाती है, सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो एज, अगर विंटर है और मून मदर का फेस है, तो उस विंटर ने इस मून का यूथफुल अपियरेंस जो है वो मिस्टी कर दिया है, राइट. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वंस गिवन बिलो. जल्दी से देख लो. ठीक है. सो ऑल आई डिड वॉज स्माइल, इमेजरी है, तो मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग यहाँ पर कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है. ये दोनों तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. यहाँ पर दिस इज सिमिली और उसको मेटाफर की कैटेगरी में डाला गया है, इसे फिर भी आप इमेजरी भी कह सकते हैं, और पर्सोनिफिकेशन मेनली ये है. ठीक है, ट्रांसफर एपिथेट भी है ये. सो एट प्रेजेंट हमें यही सेट दिख रहा है, और ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. क्लियर? आप में से जिसको भी पोएटिक डिवाइसेस क्लियर ना हो, तो मेरे चैनल पे पोएटिक डिवाइसेस का लिंक है, यू कैन वॉच दैट एंड यू कैन क्लियर दोज कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो द फ्रेज ओल्ड फेमिलियर एक हैज बीन यूज टू रेफर टू अ फियर इन दिस एक्सट्रैक्ट. फ्रेज कैन ऑल्सो बी यूज टू, बोलो जल्दी से, डिस्क्राइब अ लॉन्गिंग वन हैज बीन अवेयर ऑफ. मतलब उस लॉन्गिंग को शो करने के लिए जिस जिसको आप ऑलरेडी जानते हो. ठीक है, तो यूजुअली बच्चों को मदर से जो एक सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन होता है, हर बच्चा चाइल्डहुड में उसको फील करता है कहीं ना कहीं. तो ये एक तरह से फेमिलियर एक है जो चाइल्डहुड में कभी उसने फियर किया होगा, वो मेंशन भी है पोएम में. सो डी इज राइट ऑप्शन. ओके, सेकेंड देखो जल्दी से. टोन ऑफ द पोएट इन द पोएम इज प्राइमरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश. बिल्कुल सही. एप्रिहेंशन यानी कि किसी चीज का समझ आना, क्लैरिटी होना, और डिजेक्शन फिर आप उसको डिजेक्ट करते हो जब आप लाइक यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट.
ट्रू एग्जैक्ट मीनिंग आप इसका डिक्शनरी में देख सकते हो. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. क्लियर? ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पोयम, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम. इसमें बच्चों को बहुत ही डाउट है. अगर डिटेल में आपने ये पोयम समझनी है तो तीनों पोयम्स मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हो. यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हम समझ रहे हैं. अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल में जा सकते हैं, देख सकते हैं. राइट, अब ये स्टैंजा आपने देख लिया फटाफट से. तो फ्रेज वेट डाउन हेड डज नॉट, ध्यान रहे यहाँ तो कैपिटलाइज करके दिया है. अगर पेपर में कैपिटलाइज ना भी हो तो भी आप ध्यान से देखोगे. सो ऐसा नहीं मानना कि ये कैपिटलाइज ही होके आएगा. हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है. ठीक है, तो इनमें से क्या शो नहीं करता है? बिल्कुल सही. सो यहाँ पर डिजी विद अ हेडेक नहीं है, यहाँ पर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी थीम है. तो ये तीनों पॉइंट सूट कर रहे हैं, लेकिन डिजी विद अ हेडेक तो बिल्कुल भी नहीं है. राइट, नेक्स्ट देखो. पिक द ऑप्शन दैट मैचेस द वर्ड्स फ्रेजेस विद द लिटरेरी डिवाइस. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लिखोगे, इनमें से बताना है आपने. ठीक है, सो लाइक रूटलेस वीड्स हमारा सिमिली है, पेपर सीमिंग बॉय मेटाफर है, एंड रिसाइटिंग हमारा पन है. एब्सोल्युटली राइट, सो दिस सी इज राइट आंसर. पिक द ऑप्शन दैट एन्यूमरेट्स द टोन ऑफ द पोएट इन दिस एक्सट्रैक्ट. आपने यहाँ से बताना है क्या टोन है. सो कंपैशनेट तो है ही, साथ में थॉटफुल भी है और साथ में वोफुल भी है. डिसिल्यूजन नहीं है वो. ठीक है, और एप्रिहेंसिव. क्लियर, कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस पेन से उन्हें बाहर आना चाहिए. सो थर्ड का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन. नाउ गस्टी वेव्स मोस्ट लाइकली क्या इंडिकेट करता है? वर्ब इन ब्राइटनेस. सो बेसिकली सर्वाइवल और स्ट्रगल नहीं है, ड्रजरी डलनेस नहीं है, एनिमेशन और अलर्टनेस नहीं है. गस्टी वेव्स फ्री वेव्स हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, एक्साइटमेंट है, फन एंड फ्रॉलिक है. सो कलर्स ऑफ लाइफ हैं जो कि इस इमेजरी से क्लियर हैं. सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज फोर्थ का बी. ओके, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. सो अब आप इस पे आंसर करोगे. पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट. राइट, सो ऑप्शन सी इज आंसर. रियलिटी ऑफ रियल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन तो पॉलिसी मेकर नहीं शो कर रहे हैं. सो यही यहाँ पर आपका नॉट ट्रू है. ठीक है, ठीक है. सो पिक द ऑप्शन दैट मैचेस बेस्ट विद द फ्रेज ब्रेक ओ ब्रेक ओपन. इससे क्या कहना चाहते हैं वो? ब्रेक साइलेंस, ब्रेकआउट एंड ब्रेक ग्राउंड. ब्रेक थ्रू अचीवमेंट होती है, ब्रेक इवन आपको पता है जब कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाता है, और ब्रेक फ्री भी आप जानते हैं कि क्या है. तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन, 2, 3 एंड 6. नेक्स्ट, लुक एट द गिवन बुक कवर्स, पिक द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ कैटाकॉम. कैटाकॉम का मीनिंग आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है. तो यहाँ देखो कौन सा लिखेंगे आप. यस, लेबरिंथ जो होता है वो आपको पता है कि अपना ही एक तरह से वेब जो बुन जाता है उसके ऊपर ही है. सो दिस विल बी द बुक कवर, कैटाकॉम, जिसका मीनिंग रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, सो इसका ऑप्शन सी. अब यहाँ देखो इस एक्सट्रैक्ट पे आपको ओपिनियन चूज करनी है जो कि पोएट की ओपिनियन के बहुत क्लोज है. जल्दी से रीड करो.
ओके सो अगर आपने रीड कर लिया है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज फील हो रहा होगा ये सेकेंड एंड थ्री. यहाँ लिखा है कि कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन कैन इम्प्रूव इफ दे आर शोन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउट ऑफ देयर विंडो. समझ रहे हो, उनकी विंडो से. तो ये यानी कि जो अपने आसपास रियलिटी देख रहे हैं वो छोड़ के अगर बाहर जाएंगे तो वहां से. नो दिस इज नॉट एग्जैक्टली. उसका कहना ये है कि उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए बाउंड्रीज ऑफ नेचर को फ्री करने की, तभी तो वो समझ पाएंगे कि लाइक सैंड बीचेस का कलर क्या है, सन का लैंग्वेज क्या है, और ग्रीन लीव्स ओपन होते हुए देख पाएंगे. सारे नेचुरल प्रोसेस को देख के उन्हीं से ही सब कुछ सीख पाएंगे. सो हियर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन टू. क्लियर? ओके सो बेस्ड ऑन द पोएम चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. तो देखो, पोएट इज इन एंग्विश एट द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन इन स्लम एंड इज सिंपथेटिक टूवर्ड्स देम. हाँ भाई, ये तो सही है, गुस्से में भी है और सिंपथी भी है इसे स्लम चिल्ड्रन से. सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द पोएट प्रेजेंट्स एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन टू गार्नर सिंपथी. आपको लगता है कि उन्होंने बढ़ा चढ़ा के ये सब चीजें लिखी हैं ताकि सिंपथी को कलेक्ट किया जा सके, तो ये फॉल्स है. अब यहाँ अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नाउ अ चाइल्ड इन द स्लम एक्सपीरियंसिंग द ड्रियरी लाइफ वुड हैव द लीस्ट एक्सेस टू व्हाट. इनमें से देखो, शेल्टर, इंफॉर्मेशन, वाटर, एजुकेशन. तो इंफॉर्मेशन का बहुत ही कम एक्सेस है, याद होगा आपको उसमें वर्ड्स ऑफ स्कॉलर सेकंड स्टैंजा में लास्ट लाइन थी, उसमें आप देख सकते हो कि वर्ड्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स करके कुछ है जहां स्कॉलर्स मेंशन होते हैं, तो उनकी लाइफ में फार फार अवे फ्रॉम द वर्ड्स. ठीक है, वो लाइन आप यहाँ देख सकते हो, सेकंड स्टैंजा की लास्ट लाइन है. आई रिमेम्बर दैट, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही है. तो उससे आपको पता चलेगा इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन इन सबसे दूर हैं कहीं ना कहीं. ओके नाउ पिक द कोट दैट हाइलाइट्स अ कंट्रास्टिंग इमेज पोर्ट्रेट इन द पोएम. जल्दी से रीड कर लो. यस सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी. एन इम्बैलेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फैटल एलिमेंट ऑफ ऑल रिपब्लिक. ध्यान रहे, अगर आप इसको जल्दी जल्दी में पढ़ जाएंगे, दैट हाइलाइट्स द कंट्रास्टिंग इमेज पोर्ट्रेट इन द पोएम, तो हम कंट्रास्टिंग पे शायद फोकस ना कर पाए, तो शायद हमें ये लास्ट पॉइंट लगे सही, सी पॉइंट हमें सही लग सकता है. लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सी इमेज, कंट्रास्ट इमेज क्या पोर्ट्रे की गई है, तो वो कोट आपको सिलेक्ट करना है. वो यही कि इम्बैलेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर जो है वो बहुत ओल्ड है और बहुत ही फैटल एलिमेंट है सब रिपब्लिक्स में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह की हो, सब में. सो ये कंट्रास्ट ये दिखाया गया है इसमें. सो ये कंट्रास्टिंग इमेज है. राइट, बी ऑप्शन इज राइट. ओके नाउ फोर्थ, पॉवर्टी एंड होपलेसनेस कहाँ से दिख रही है हमें, जल्दी से देखो. स्लैग हीप जो पाइल ऑफ गार्बेज है, पाइल ऑफ डस्ट है. ठीक है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, बेसिक नेसेसिटी भी उनकी क्लियर नहीं है, और कैसे मेंडेड विजन है मेटाफोरिकली भी और लिटरेरी मीनिंग भी. एंड गस्टी वेव्स तो इमेजरी है, ये तो बाउंटी शो करती है. रन इज योर ऑन गोल्ड सैंड भी नेचर शो करता है. मेंडेड ग्लास बिल्कुल सही है, पॉवर्टी एंड होपलेसनेस को शो करता है. स्क्विरल गेम होप है. लैंग्वेज इज द सन, ये एक एडवाइस है, एक ऑप्टिमिस्टिक टोन है कि जो सन की लैंग्वेज फॉलो करेगा वही बढ़ेगा. तो आपका आंसर जो इसमें बनता है दैट इज 1, 2 एंड 5, ऑप्शन डी. राइट, सो दिस इज इट. आई होप
ये जो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू सेंड और क्लियर दोज आंसर्स बाय टुमारो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, प्रैक्टिस करो अच्छे से।